सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर बुक का चैप्टर नंबर 17 कर रहे हैं, जिसमें हम होली फेस्टिवल पर ऐसे लिखेंगे। अच्छा बताइए बच्चों, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें होली पसंद है? मेरा तो फेवरेट है। आपका क्या फेवरेट है? मुझे तो बहुत मजा आता है होली में अलग अलग कलर लगाते हैं। स्पेशली मजा आता है जो घर में खाना बनता है ना, जो मम्मी टेस्टी टेस्टी गुजिया बनाती है, वो खाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, चलिए आज हम जो ऐसे है वो होली पर लिखेंगे। होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। जो होली है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फेस्टिवल त्योहार है हिंदू का। इट इज द फेस्टिवल ऑफ जॉय। ये त्योहार है जॉय का, मस्ती का, आनंद का। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड इन अ मंथ ऑफ मार्च। जो होली है वो मार्च के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। दिस ईयर आई सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल विद ग्रेट जॉय। इस साल मैंने ये फेस्टिवल बहुत धूमधाम से, बहुत आनंद से मनाया। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कलेक्ट पीस ऑफ वुड एंड कट ऑफ एंड काउ डंग। ये काउ है, ठीक है, काउ डंग यानी जो गाय के उपले होते हैं, गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं उन्हें काउ डंग कहते हैं। एट ए पर्टिकुलर प्लेस। जो आदमी है, औरत है, बच्चे हैं, वो लकड़ियों के टुकड़े एक जगह पे कलेक्ट कर रहे हैं और गाय के उपले भी वहां पे वो रख रहे हैं। इन द नाइट, रात में, आई वेंट टू दैट प्लेस विद माय फादर एंड ब्रदर। रात में मैं उस जगह पे जहाँ पे जो लोग थे वो लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे और गाय के गोबर से बना हुआ जो उपले थे रख रहे थे, मैं उस जगह पे रात में अपने पापा और भाई के साथ गई। एट द फिक्स टाइम द पाइल वॉज सेंट ऑन फायर। एक फिक्स टाइम पे मीन्स एक समय जो निकला होगा, मुहूर्त जो निकला था, उस टाइम पे उस लकड़ी में और उसमें काऊ के जो डग था, उपले था, उसमें आग लगा दी गई। देयर पीपल सिंग सॉन्ग एंड बीट ड्रम। वहां पे जो लोग थे वो गाना गा रहे थे और ढोल बजा रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीबॉडी स्प्रिंकल कलर वॉटर ओवर अदर पीपल। अगली सुबह जो सभी लोग थे वो एक दूसरे के ऊपर कलर और पानी डाल रहे थे। आई रब गुलाल ऑन द फेस ऑफ माई फ्रेंड। मैंने अपने दोस्त के गाल पे गुलाल रब किया, मीन्स गुलाल लगाया। सम बॉय जॉइन द डांस पार्टीज एंड आई टुक अराउंड ऑफ द सिटी। कुछ बॉयज जो थे, कुछ लड़के जो थे वो डांस पार्टी कर रहे थे, मैं सिटी में घूम रहा था। आई एम्ब्रेस माई फ्रेंड। मैंने अपने फ्रेंड को गले लगाया। इन द इवनिंग आई मेट टू मीट माई रिलेटिव। शाम में मैं अपने रिलेटिव के घर, अपने रिलेटिव से मिलने गया। दे ऑफर मी स्वीट। उन्होंने मुझे स्वीट यानी मिठाई दी। रियली इट इज अ वेरी गुड फेस्टिवल। सच में ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है, अच्छा त्योहार है। इट गिव अस अ चांस टू प्ले एंड मूव फ्रीली। ये हमें एक चांस देता है कि हम प्ले करें, खेलें और फ्रीली मीन्स अच्छी तरीके से मूव करें। This festival is full of joy. ये जो फेस्टिवल है ये पूरी तरीके का जॉय, आनंद, प्यार और दोस्ती से भरा हुआ है। ठीक है, चलिए ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट, ये था हमारा एसे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। होली फेस्टिवल आपको भी बहुत पसंद होगा, आप भी इसी तरीके से होली मनाते होंगे, अपने दोस्तों को रंग लगाते होंगे, रिलेटिव के घर जाते होंगे, स्वीट खाते होंगे और पेरेंट्स को, सभी को रंग लगाते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।